অ্যাকচুয়ালি লাইফের ক্ষেত্রে এরকম হয়, আমি করে যে আমি ঘুষ দিয়ে বা টাকা দিয়ে অন্য কাউকে দাতা কম খরচ করছে সমরাছে নির্ভরশীল না হয়তো মানুষের জন্য প্রযোজ্য। আমার কাছে অনেক ধরনের ট্র্যাকার সিস্টেম লাগানো আছে, সেফটিটা অনেক ভালো আছে। ওয়েলকাম টু বিচ রিঅ্যাকশন, বিচ রিঅ্যাকশনে সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমরা আপনাদের সঙ্গে আর একটি ভিডিও শেয়ার করব, আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে খান স্যারের ভিডিও। খান স্যার রিসেন্টলি একটি ভিডিও রিলিজ করেছে, সেই ভিডিওটি হচ্ছে ও অ্যাকচুয়ালি খান স্যারের প্রেমে পড়ে গেছে। ওকে, খান স্যারের আজকে যে ভিডিওটি দেখবো তার টাইটেলস হচ্ছে INS ড্রেব BC-11184 ব্যালিস্টিক মিসাইল ট্র্যাকিং শিপ, জাপান রিফিউজ টু লঞ্চ মায়ানমার স্যাটেলাইট। সো ভিডিওটি সম্ভবত জাহাজের উপর যে স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং এর ইস্যু থাকে, কোনো ধরনের মিসাইল যদি কোথা থেকে আসে সেগুলো ট্র্যাক করার জন্য যে শিপ সেটার বিষয়ে নিশ্চয়ই ভিডিওটা হবে। তো তো চলুন সবাই মিলে আমরা ভিডিওটি দেখে আসি, আমরা একটু জ্ঞান নিয়ে আসি। देखिए भारत जो है वो दोनों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, एक ओर पाकिस्तान और एक ओर चाइना। चाइना जो है वो हमारी इसके पास सर्वेलांस के लिए बहुत बड़े बड़े शिप हैं, अभी नेवी के सर्वेलांस में वो पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे चल रहा है। अब यहाँ हमारी जो हिंद महासागर है तो चाइना इस हिंद महासागर में भी अपने पाँव पसार रहा है। अब चाइना के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल है, पाकिस्तान के पास भी है, तो इन मिसाइलों को जब कभी भी लॉन्च किया जाएगा पकड़ने के लिए, या फिर चाइना ने यहाँ पे कोई अपना सिप ही दे दिया, हम लोग तो इधर से तैयार रहते हैं कि यहाँ चाइना है इधर पाकिस्तान है, मान के चलिए यहाँ पे चाइना ने अपना कोई नेवी का सिप डिप्लॉय कर दिया और यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिया, तो हमें वहाँ ट्रेस करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये समुंदर है यहाँ एरिया, समुंदर में रडार परमानेंटली नहीं लगा सकते, तो इसके लिए आता है एक सर्वेलांस रडार। ये न्यूक्लियर मिसाइल को या फिर बैलिस्टिक मिसाइल जब छोड़ी जाती है तो इसके ऊपर सेटेलाइट एंटीने लगे रहते हैं बहुत बड़े बड़े, ये किसी भी दूर से दूर आ रही मिसाइलों को आराम से ये ट्रेस कर लेते हैं। भारत के पास इसकी कमी थी, 2014 में ही इस पर काम हो चुके थे और इसे 18 में हल्का सा मतलब इसे सी ट्रायल किया गया था, अभी इसे फाइनली INS ध्रुव के नाम पर इंडक्ट कर लिया गया। जब इसे सीक्रेटली नाम दिया गया था तो BC-111-84 नाम दिया गया था। इसे इंडियन नेवी ने डिज़ाइन किया है, खास करके इसका जो मकसद है वो सर्वेलांस का काम है और हाई लेवल का, जो 2000 किलोमीटर ज़्यादा आगे तक सर्वेलांस कर सके। ये बहुत बड़ा शिप है, 15,000 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट है और ये पानी में इसकी स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है इस भारी भरकम शिप की। इसी की खासियत तो 75 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा है, इस पर एक टाइम पर 300 क्रू मेंबर रह सकते हैं। सबसे खतरनाक बात है इसका रडार सिस्टम, इसका रडार जो है वो 360 डिग्री घूम सकता है और इसके रडार में एक और खासियत है कि इसका रडार एक सिंगल रडार ना बनके बल्कि छोटे छोटे रडार के ग्रुप बना हुआ है जिसे TR मॉड्यूल कहते हैं। क्या आप देख रहे हैं इसका हर एक छोटा 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 हिस्सा है वो अपने आप में एक स्वतंत्र रडार है। इसकी कुल संख्या 6400 है, तो 6400 TR मॉड्यूल है वो 6400 वेव छोड़ेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि मल्टीपल टारगेट पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ से दो टारगेट आ रहा है तो 6400 में से मान के चलिए 100 TR मॉड्यूल डायरेक्ट इस पर फोकस रखेगा, 100 इस पर फोकस रखेगा, तो बाकी सब तो बचे रहेंगे ना, कुछ इस पर रख लेगा कुछ इस पर रख लेगा। तो पहले एक सिंगल रडार होता था जो एक ही पे नज़र रख पाता था, तो अब TR मॉड्यूल से क्या है कि जिधर हमको थ्रेट ज़्यादा है अपने TR मॉड्यूल को उस डायरेक्शन में हम लगा देंगे ताकि वहाँ पर पर्टिकुलर हम लोग निशाना लगा सके और ये एक साथ 10 टारगेट पर निशाना लगा सकता है, मतलब लॉक कर सकता है उसे और 2000 किलोमीटर दूर से ही ये रडार जो है इसे रूप में लगाया गया है वो दुश्मन पर नज़र रख सकता है। सिप के ऊपर ये जो रडार लगा हुआ है ये 360 डिग्री तक घूम सकता है और 2000 किलोमीटर के एरिया में मल्टीपल टारगेट को ये देख सकता है, ऐसा नहीं कि किसी एक ही टारगेट पर ये निशाना बनाएगा, ये एक साथ अपने जो इसका एरिया है उस पर नज़र रख सकता है। जैसे यहाँ देखेंगे तो दो दो UAV एंट्री कर रही है सर, तो इस तरह से अगर जो भी आएगा तो ये क्या करेगा अपने जो TR मॉड्यूल है उसमें कुछ हिस्सा स्पेशलाइज कर देगा जो हमेशा इसी पर कंटिन्यू नज़र रखे और उसके बाद से इसको सिग्नल भेज देगा मिसाइल कंट्रोल डिपार्टमेंट में कि इधर से कोई मिसाइल अप्रोच कर रही है। अब जहाँ वो अप्रोच करेगी यहाँ से अपने कंट्रोलिंग सिस्टम के थ्रू उसको भेज के वो न्यूट्रलाइज कर देगा और ये पूरी तरह से एरिया पर नज़र बना के रखेगा जिससे कि वो चीज़ पूरी बेहतरीन ढंग से सील्ड हो सके। इसके पिछले डेक पर एक हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए भी जगह दिया है,
ताकि वो इमरजेंसी की स्थिति में यहाँ पर इवैक्यूएशन या जरूरी संसाधन या यहाँ से लोगों को निकालने में मदद कर सके। ये हेलीकॉप्टर अपने पीछे डेक पर एक हेलीकॉप्टर को लैंड करा सकता है जो रेस्क्यू के टाइम पर आराम से काम आया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की मदद से इमरजेंसी ड्रॉप भी किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत दूर तक हमला कर सकती है, ये कई हजार किलोमीटर जा सकती है, डायरेक्ट हमला नहीं करती है, ये छुपी हुई जगह पर रहती है, या वो सबमरीन से लॉन्च कर दी जाएंगी या फिर कनस्टर्स में इस तरह से लॉन्च कर दी जाती है। और जब वो री एंट्री करती है तब आदमी को पता चलता है कि हमारे ऊपर मिसाइल का अटैक हो गया। बीच में अगर पता चल जाएगा तो हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आजकल मिसाइलों को जमीन के अंदर अंडरग्राउंड कनस्टर में रखा जाता है और वहाँ से इन बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करा दिया जाता है और ये अंतरिक्ष में जाती है। अंतरिक्ष में के बाद जब ये हमारे एरिया में आएगी और री एंट्री करेगी तो री एंट्री करते समय इसको ट्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना ये बहुत ही हाई रेंज की होती हैं और इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रास्ते में अगर इन्हें पकड़ लिया जाएगा तो इनकी घातकता को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास S-400 मिसाइलें हैं, उनको ट्रेस करके बता दिया जाएगा कि ये मिसाइलें यहाँ आ रही हैं। और री एंट्री जैसे होगी हमारे टेरिटरी में तो हमारा जो INS ध्रुव है, INS ध्रुव का रडार जैसे ही देखे अब ये री एंट्री कर रहा है तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो वो रडार इसे ईजिली पकड़ लेगा। जैसे हमारी एरिया में ये इंट्री करेगा, जब ये इंट्री कर जाएगा हमारे एरिया में तो रडार में इजीली पकड़ में आ जाएगा, और जब रडार में पकड़ में आ जाएगा तो इसका सारा लोकेशन पता चल जाएगा और एंटी मिसाइल से हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम से इसे हवा में ही मार के गिरा सकते हैं और अपने एरिया को बचा सकते हैं। इसे ही न्यूट्रलाइज करने के लिए और समुद्री एरिया में पता लगाने के लिए INS ध्रुव काम करेगा। यहाँ से अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जाती है तो इस रास्ते में ही इसे ट्रैक कर लेगा कि ये किस स्पीड से जा रहा है और कहाँ तक ये जा सकता है, और फर्दर इन्फॉर्मेशन भेज देगा वो अपने दूसरे शिप पर या वहाँ जहाँ हमारा एयर डिफेंस लगा हुआ है, और वो एयर डिफेंस इसे बीच रास्ते में ही न्यूट्रलाइज कर देगा। भारत बहुत ही तेजी से अपना रक्षा क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है। इसी को देखे होंगे तो भारत का जो डिफेंस बजट था इस बार, तो उसमें हम लोगों ने अपने डिफेंस इंपोर्ट में जो आयात करते हैं उसमें लगभग 33% की गिरावट देखे हैं। अब हम लोग का जो देखिए, हम लोग का जो इंपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता था। एक वक्त था जब दुनिया में हम टॉप पर थे, लेकिन अभी तो सऊदी अरब टॉप पर है, फिर आता है इंडिया, फिर मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। अब हम लोग भारत सरकार ने लगभग 150 ऐसे छोटे बड़े हथियारों का लिस्ट बनाया है जिसका हम इंपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि भारत से ही उसे बनाएंगे, भारत जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, और हम लोग एक्सपोर्ट पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग इंपोर्ट को कम कर दिए ताकि हम स्वदेशी बना रहे, इसलिए हम लोग का 33% गिरावट देखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने हथियारे नहीं लाए हैं या फिर सेना में कुछ छूट दे दिया गया या फिर उसमें ढिलाई बरती जा रही है, ऐसा नहीं है, हम उसे बना रहे हैं। तो जब हम मेक इन इंडिया करेंगे तो इंपोर्ट घटेगा ही, ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ घट रहा है। संतोषजनक एक्सपोर्ट नहीं देखा जा रहा है सेना के सेक्टर में, डिफेंस में। डिफेंस में सबसे ज्यादा यूएस का वर्चस्व है, 37% लगभग पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट अकेले यूएसए कर देता है, 17% रूस करता है, 8% फ्रांस, चाइना का नंबर चौथे नंबर पर है 5.2%, इंडिया 0.2% है, इंडिया का बहुत पीछे है। और आज की जो लड़ाई होगी वो मेनली मिसाइलों और क्रूज मिसाइल और इस पर डिपेंड करेगी, ड्रोन पर। ड्रोन के टेक्नोलॉजी में भारत बहुत ही पीछे है, हालांकि क्रूज मिसाइल के टेक्नोलॉजी में भारत बहुत आगे है। आपको बताए भी थे हम लोगों ने फिलीपींस को एक्सपोर्ट करना चालू भी कर दिया है। भारत अभी मुख्य रूप से बड़े जो एडवांस लेवल के चीज़ें हैं उन्हीं का आयात कर रहा है, जैसे में राफाल हो गया, S-400 हो गया, तिनूक हेलीकॉप्टर हो गए, इस तरह के कुछ हल्के हैवीजर ये सब हो गए, एयर डिफेंस, इसी सब चीज़ों का भारत आयात कर रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास अभी उतनी अच्छी नहीं है और उसकी सख्त ज़रूरत है। जबकि अगर देखेंगे भारत को निर्यात करने के लिए तो भारत ने बहुत सारे छोटे छोटे देशों को निर्यात करना चालू कर दिया है, चाहे वो अफ्रीका के देश हो, हमारे पड़ोसी देश हो, उन लोग को निर्यात करना चालू कर दिया, चाहे वो अभी देखेंगे मेक इन इंडिया के प्रति हम लोगों ने अपना हेलीकॉप्टर, अपना तेजस जहाज, फिर एयरक्राफ्ट करियर तक बना दिए। तो इन सब छोटे छोटे हथियारों को भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, इससे भारत में रोजगार भी बढ़ेगा और भारत को एक्सपोर्ट भी बनेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि ये मेन रोजगार के लिए, जितना हथियार हम बनाएंगे ना तो उसके बाद हमें उससे कुछ सीख मिलेगी, तो हमारी ऐसा नहीं है। देखिए हम जब दीवार पे कांटी ठोकते हैं तो एक बार हथौड़ी मारते हैं तो कांटी नहीं जाता है, लगभग 8-10 बार मारना पड़ता है। दूसरी तीसरी बार आप हथौड़ी मारे थे उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका भी बराबर वैल्यू है उसमें यहाँ पे, लेकिन फाइनली सफलता अंतिम में मिलती है। तो फ्रांस ने जो राफेल बना लिया है, फर्स्ट टाइम में राफेल नहीं बना लिया था, उसके भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी फेल हुई थी। तो हम जितना ठोकर खाएंगे उतने ही हम समझेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी हो रही है। आत्मनिर्भर होना इतना ज़्यादा जरूरी है कि अभी देखेंगे जापान का म्यांमार के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था,
लेकिन अभी म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, तो तख्ता पलट होने से पहले म्यांमार की सरकार जो आंग सान सू की थी वो जापान से एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बोली थी, तो जापान ने उस सैटेलाइट को डायरेक्ट लॉन्च नहीं किया बल्कि उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इसे ले जाके लॉक किया और कहा कि भाई हम इसके बाद इसे जब उचित ऑर्बिट आएगा तो हम उसमें लॉन्च कर देंगे। तब तक इधर तख्ता पलट हो गया, तो जापान ने कह दिया कि भैया ये तो सेना से हमारा समझौता ही नहीं था, हमारा तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से समझौता था, अब जब सरकार आएगी तो हम ये सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, अभी उसको यहीं पे बांध के रखा है माना जाता है, सैटेलाइट बांध के रख ले तो हम लोग तो अंतरिक्ष के मामले में आत्मनिर्भर है, तो ये बहुत भारत के लिए भी अच्छा है कि भाई भारत बहुत ज़्यादा सैटेलाइट को भी ईजिली लॉन्च कर सकता है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ज़रूरत होती है आत्मनिर्भर बनने की, वरना युद्ध या विकट परिस्थिति के समय में कोई भी देश मना कर देगा, जैसे मान के चलिए हमारा फ्रांस से अगर रिलेशन खराब हो जाता है तो क्या वो राफाल का पार्ट पुर्जा देगा, उसमें कोई सेंसर रडार कुछ भी बिगड़ गया नहीं, खैर हमारा रिलेशन अच्छा है, लेकिन अगर खुद से बनाते तो ज़्यादा बेटर रहता। अभी भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि भारतीय नेवी ने अपना अंडरग्राउंड सबमरीन को रखने का व्यवस्था कर लिया है, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास किया गया है, इस व्यवस्था के तहत जमीन के अंदर पहाड़ों को खोद कर एक गुफा बनाया जाएगा, उसमें इस पनडुब्बी को लेकर चले जाएंगे, तो पता ही नहीं चलेगा हमारी पनडुब्बी कहाँ है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने जब देखा था हमारी नेवी ने कि चीन की पनडुब्बी ऐसे इमेज में देखेंगे तो ऐसे आ रही है और अंदर कहीं घुस जाएगी, इसके अंदर बेस बनाया था, तो भारत सरकार को भी लगा था कि हमें भी बनाना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस अंडरग्राउंड बेस काम करते हैं और इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, और अगर इसके ऊपर ही एटमिक हमला हो जाए तो फिर ये कैसे सुरक्षित बच सकते हैं। और आप सबका एक बार तहे दिल से फिर से धन्यवाद, आप सब लोगों ने इतना स्नेह दिया जो इतना जल्दी 7 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचा दिए, फिर से तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं, आप लोगों ने इतना जल्दी पहुंचा दिया ना कि मेरा 7 मिलियन बहुत पहले हो गया, मतलब 12-13 तारीख को हो गया, लेकिन वो अपडेट नहीं कर रहा था, मेरे पास मेल आया यूट्यूब की ओर से कि आप इतना जल्दी कैसे हो गया, हम आपके सब्सक्राइबर गिन मतलब देखना चाहते हैं, चेक करेंगे तो भाई साहब एक अजीब तरीका लग गया कि भाई हमारे ऊपर इंक्वायरी क्यों कर रहा है यहाँ पे, उन लोग का मेल भी गजब का आता है, कैलिफोर्निया उसका हेड ऑफिस है तो वहाँ से मेल आता है, तो उनकी लैंग्वेज भी गजब की रहती है एकदम प्रोफेशनल एकदम, हमको लगा क्या करेगा भाई साहब, फिर उसने 3-4 दिन तक किया मेल, फिर बात की मेल टू मेल ही होती है उन लोगों से, तब वही उन्होंने कहा कि नहीं आपके जितने भी हैं सब जेन्युइन हैं, और बहुत खुशी हुआ, और तब जाके उसने अपडेट किया, तब आया 7 मिलियन, आप सब लोग कहते हैं दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही हुआ एप्लीकेशन पे, खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अब तक 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं, लेकिन प्ले स्टोर का आई कि इतना जल्दी कैसे हो गया, जब तक हम पूरा क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम भी अपडेट नहीं करेंगे, आप सब लोग का इतना स्नेह मिलता है, तो हम भी अभी थोड़ा सी क्या है कि पटना में ऑफलाइन क्लासेस खुल गई है, तो यहाँ 8-9 घंटा डेली क्लास लेना पड़ता था, थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी अब हमने थोड़ा सा प्लान चेंज करेंगे, तो नेक्स्ट वीक से आप लोग को रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, और इस वगैरह जो भी चीज़ें बाकी रह गई हैं वीडियोज़ में उसको भी हम बताएंगे, आप सब लोग का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आपका, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यार, थैंक यू खान सर के, कारण खान सर वीडियो আসলে আমি খুব পছন্দ করি, কারণ খান সার প্রত্যেকটা ভিডিওতে কিছু না কিছু শেখা যায়, হ্যাঁ শেখা যায়, ইনফরমেশন গুলো থাকে, তাছাড়া হচ্ছে ভিডিও থেকে আমি নিজের জন্য কিছু খুঁজে পাই, যেমন এখানে একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি, খান সার বললো না যে একটা পেরেক যখন আমরা দেয়ালে ঠুকি তখন আমরা লাইফের ক্ষেত্রে এরকম হয়, আমরা অনেকবার একটা কাজ করার জন্য করে যাচ্ছি এবং ফেল হচ্ছি, তারপর একটা সময় গিয়ে আমরা হয়তো একটা সাকসেস দেখি, তো ওই যে ফেল হলাম সেটা হচ্ছে আসলে আমার শেখা, এটাই আসলে মানুষ ফেল হওয়া থেকেই শিখে, আর যেটা বলল যেটা নিজেরা যদি করি, নিজে হাতে কলমে কাজ করা মানে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করলেই কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, আর না হলে যদি আমি মনে করি যে আমি ঘুষ দিয়ে বা টাকা দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে করাবো তখন কিন্তু আসলে প্র্যাকটিক্যালটা ওরকম হয় না, আমি একটা জিনিস নিয়ে আসলাম আমি বাসায় ইউজ করছি, কিছুদিন পরে জিনিসটা নষ্ট হলে আমি জানলামও না কীভাবে কী হলো, আবার কিনতে হয়, কিন্তু যদি আমি নিজে জানি বা নিজে থেকে তৈরি করি তাহলে মনে হবে যে না ঠিক আছে আমি জিনিসটাকে তৈরি করেছে, আমি জানি যেটাকে কিভাবে ঠিক করা যাবে বা আমি ভুলগুলো ধরতে পারবো, পরবর্তীবার আমি ওই ভুলগুলো শুধরে আরো সুন্দর করে করতে পারবো, তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তা ইন্ডিয়া যেটা করতে চাচ্ছে যে তাদের ইন্টারনালি তারা চাচ্ছে যে তাদের অ্যাটলিস্ট ছোট করে হোক, তারপরে তারা অস্ত্রগুলো ছোট ছোট অস্ত্রগুলো তারা নিজেরা তৈরি করছে, ইম্পোর্ট
কম করছে। তো সেক্ষেত্রে সে একটা জিনিস বলে দিল যে ইম্পোর্ট কম করছে মানে এই না যে সে তারা কিন্তু দুর্বল বা তাদের কম খরচ করছে বা সেনাবাহিনী থেকে তারা কোনো কিছু তুলে নিচ্ছে, এরকম কিন্তু না। তারা আসলে ক্ষমতা বাড়াচ্ছে কিন্তু ভেতরকার ক্ষমতা দিয়ে, নিজস্বভাবে তারা উৎপাদন করছে, বাহির থেকে আমদানি করছে কম, এবং কিন্তু তারা কিন্তু রপ্তানিও করছে আশেপাশের ছোট ছোট দেশগুলোতেও রপ্তানি করছে। আমার মাঝে মনে হয় আমাদের দেশেও ছোট ছোট কোনো, হ্যাঁ ছোট ছোট অস্ত্র আমরাও কিনেছি তাদের কাছ থেকে, এবং এইভাবে তারা যখন ছোট ছোট অস্ত্র বানাতে থাকবে তখন একসময় তারা বড় অস্ত্র বানানোর মতো পারদর্শী হয়ে যাবে। যেমন যেটা বললো আসলে ফ্রান্স কিন্তু প্রথমেই তাদের রাফেল তৈরি করে নাই, প্রথমে কিন্তু তারা ছোট ছোট অস্ত্র তৈরি করেছে, দেন ওইসব থেকে আস্তে আস্তে তারা এরকম বড় ধরনের। আরেকটা জিনিস কিন্তু সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছে, এটা বাস্তবিক যে আপনার একটা রাষ্ট্রের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আছে, এটা সাধারণ মানুষের জীবনেও হয়। একটা বন্ধুর সাথে আপনার খুব ভালো সম্পর্ক আছে কিন্তু আপনার প্রয়োজনে বন্ধুটা হয়তো না করে দিল বা তারও কোনো সমস্যার কারণেই হয়তো বা সে না করেছে, কিন্তু আসলে ওই সময় হেল্পটা আপনার খুবই জরুরি ছিল বা যে কোনো মানুষের জরুরি হতে পারে। তো সেই সময় যদি সে না হেল্প করে তাহলে নিজে আসলে অনেক বড় ধরনের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তো সেক্ষেত্রে যেহেতু তারা নিজেরা এস্টাবলিশড হচ্ছে, তো এটা আমার কাছে মনে হয় যে তাদের জন্য একটা অনেক ভালো দিক। তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছো যে প্রত্যেকটা মানুষকে তার নিজের মতো করে তার নিজেকে এস্টাবলিশ করতে হবে, যেন সে তার নিজে থেকে সবকিছু করতে পারে, কারণ তো যেটা নির্ভরশীল না হয়তো। একজন মানুষের জন্য প্রযোজ্য, আমার কাছে মানে একজন মানুষের জন্য যেমন প্রযোজ্য, একটা পরিবারের জন্য প্রযোজ্য, একটা সমাজের জন্য প্রযোজ্য এবং একটা দেশের জন্য তো অবশ্যই এটা প্রযোজ্য। আর নিজের দেশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আমার কাছে মনে হয় এখনকার যুগে যে ধরনের প্রবলেমগুলো আছে, যেমন ড্রোন হামলা হচ্ছে বা অন্যান্য কেমিক্যাল হামলা হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে নিজের দেশটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমার কাছে মনে হয় যে এটা অনেক জরুরি একটা ব্যাপার। আর তাদেরও হওয়া উচিত, সাথে মানে সবারই হওয়া উচিত। হ্যাঁ, এবং আমরাও কিন্তু আমাদের দেশে ছোট ছোট অস্ত্র বানাই, আমরা কিছু আমদানি করি, এবং আমাদেরও ইন্ডিয়ার মতো যে আমরা নিজেরা আমাদের যে ধরনের প্রয়োজন সেগুলো আমরা নিজেরা তৈরি করব। আর এখানে ভিডিওটা যেটা ছিল INS ধ্রুব এবং জাহাজটার নাম ছিল VC-11184, হ্যাঁ এটা আসলে খুবই সুন্দর, হ্যাঁ অনেক বড় জাহাজ এবং অনেক ধরনের ট্র্যাকার সিস্টেম লাগানো আছে, যেটা হচ্ছে আগে ছিল আলাদা আলাদা রাডার সিস্টেম, এখন 6400 আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ছোট ছোট রাডার আছে যেগুলো সব। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে একটা রাডার যদি একটাকে ক্যাপচার করে বাকিগুলো কিন্তু সেখানে এক জায়গাতেই ফোকাস করছে না, তারা কিন্তু বাকিগুলোতে ফোকাস করছে, দুইটা বা তিনটাকে ওই স্পেসিফিক কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আসলে অনেক সুন্দর একটা ব্যবস্থা, সেফটিটা অনেক ভালো বেশি থাকবে। তো ওভারঅল আই থিঙ্ক ভিডিওটা আমাদের যেমন ভালো লেগেছে আপনাদেরও হয়তো বা ভালো লেগেছে। আর খান স্যারের ভিডিও যা বলছিলাম বরাবরের মতো আমার খুবই ভালো লাগে, কেননা উনি ক্লাস যেভাবে নিয়ে থাকে তাতে আসলে সবাই কিছু না কিছু আমরা শিখতে পারি। তো আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে লাইক করবেন, আর আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন।